हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइज़ा क्रिएशन। और आज हम इस कुर्ती में पाइपिंग लगाना आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक साइड में पहले से ही पाइपिंग लगाई है, और यहाँ पे जो इसका साइड होता है वहाँ पर भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगी है। सेम हमें इस साइड में भी इसी तरह की पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी जो कुर्ती है उसे पकड़ कर इस तरह से बिछा देंगे ताकि उसमें कोई सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो एज होता है हमारी कुर्ती का, जहाँ से हम चाक बनाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक निशान डालेंगे। हम जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में, वहाँ से हमें निशान डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इतना कपड़ा फोल्ड करना है, तो यहाँ पर हम एक निशान डाल रहे हैं। और सेम हमें बैक साइड में भी इसी तरह से एक निशान डालना है। तो आप कपड़े को इस तरह से बिछा दें, और सेम प्रोसेस हमें बैक साइड में भी करना है इस तरह से। ये निशान हमारा जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं, जो हम गोठा पट्टी लगा रहे हैं, यहाँ से हम लगाने स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ये निशान डाले हैं। तो चलिए बाकी का प्रोसेस हम मशीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो निशान डाला है इस कपड़े पे, ये वो निशान है। यहाँ से हमें हमारी गोटा पट्टी, या आप लेस बोल लो, यहाँ पर मैंने ये गोटा पट्टी ली है इस तरह की। जहाँ पर हमने ये निशान डाला है हम वहाँ से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस निशान से हम बराबरी में इस पर सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाते हैं इसके बराबरी में, जो निशान हमने डाला है। आप सबसे पहले इसे अटैच कर ले ताकि ये हिले ना, और हमारी जो पाइपिंग है वो हमारी फिनिशिंग में लगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर ले। इसे अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, जहाँ से हम चाक बनाते हैं, फोल्ड करते हैं चाक बनाने के लिए, वहाँ से हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ पूरे कपड़े में। और हमें जितनी भी लेस बाहर रखनी है बस हम उतनी लेस रहने दें, और बाकी की अंदर की साइड में फोल्ड कर दें। तो हम इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ये गोटा पट्टी अटैच की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैक साइड है यहाँ पर भी हमने इसी तरह का एक स्ट्रेट निशान डाला है। यहाँ पर कॉर्नर से आप देख सकते हो कि जहाँ से हम चाक बनाते हैं, हम यहाँ पर भी इस तरह से ऊपर की साइड में, आप पहले आपने देखा होगा कि हमने नीचे की साइड से लेस लगाना स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे हम बैक साइड में पीछे की साइड में लेस अटैच करेंगे। मतलब आपको ऊपर की साइड से लगानी है इस तरह से, जो पहली हम सिंगल सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से, इसके बाद हम सेम प्रोसेस डबल रिपीट करेंगे कि अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे। जितना हम चाक के लिए फोल्ड करते हैं उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है। और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, और सेम हमें पीछे की साइड से भी करना है कि जितना हमें गोटा पट्टी ऊपर रखनी है चाक के, बस उतनी ही रहने देनी है, बाकी की अंदर की साइड में फोल्ड कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि फाइनल सिलाई लगानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसे
इस तरह से पीछे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारी जो गोटा पट्टी की लेस है बस वो ही दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। आप बाहर की साइड से इस तरह से मैं जिस तरह से लगा रही हूँ आपको भी सेम उसी तरह से एक सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पे हमारा ये जो चाक का पोर्शन होता है वहाँ पर हम इस तरह से फिनिशिंग में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरह से चाक बनाने में। और उसके बाद सेम हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे चाक में कितनी फिनिशिंग के साथ में ये गोटा पट्टी अटैच हुई है। अगर आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ में ये हमारी गोटा पट्टी अटैच हुई है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।